हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुनिया जीतने की चाह हर किसी को होती है, पर बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि अगर हम अपने माँ बाप को, अपनों को जीत ले तो जिंदगी में कुछ भी जीतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कई बार ये कोशिश ना सिर्फ नाकाम होती है बल्कि गलत मोड़ भी ले आ सकती है। दोनों ही तरह की गलती और ना समझी जीते जी जिंदगी को जहनुम बना सकती है, जिसकी भरपाई जान देकर भी नहीं की जा सकती। ध्वनि, क्या आती तू? एक घंटा हो गया ना स्कूल छूट के। मम्मी, कितलो बरसात हो तो सब जगह पानी भर गया है। अच्छा, पड़ोस के बच्चे तो सारे आ गए घर पे? तू बारिश में खेल रही थी ना, इसी खिलवाड़ की वजह से फेल हो गई गणित में। मोड़ू सुजो है छे, तेरी क्लास के जीनल ने पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया है। तेरे पप्पा को भी पता चल गया होगा, आ रहे होंगे अभी। नहीं नहीं मम्मी, आपको तो पता है ना, एग्जाम के दिन मुझे 104 बुखार था, एना माटे मारो पेपर सारू नतु गयो। आप पप्पा को बोल देना प्लीज। हां बात मने नहीं, तारा पप्पा ने समझाओ। लेकिन मम्मी, ध्वनि तारा पप्पा आ गया। आपके लिए चाय बना दूं गरमा गरम, या फिर सीधा खाना खाओगे आप? ध्वनि क्या छे, ध्वनि क्या छे, ध्वनि बोलो, मने जोई ने भणवानू नाटक करे छे। चलो चलो मुद्दाती भावुज जाती बात भावुज का भाग। अरे 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 तू बच्चे की हट जाता, तने पर मारी सी बात, तू हट जा। आज तो मम्मी, मैं बहुत बुरी हूँ ना, मेरे वजह से पप्पा ने आपको भी चिल्लाया। सांबड़ बेटा, तू मुझे देख रही है ना, मैं नहीं चाहती कि तू मेरे जैसी जिंदगी जिए। तने खबर छे, मैं नर्स बनना चाहती थी, देख क्या बनकर रह गई। ध्वनि, एक ही तरीका है अपनी जिंदगी को संवारने का, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, कुछ बन जा, अपने पैरों पर खड़ी हो जा और फिर अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी। तो समझ रही है ना बेटा? आराम से। इतनी बार फंक्शन के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। अरे हाँ हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ, तू भी जल्दी रेडी हो जा, मैं नानी को बोलती हूँ। अरे हूँ पर रेडी छू बाबा। तो सब रेडी है तो फिर निकलते हैं ना। हेलो, तुम लोग फंक्शन के लिए निकले या नहीं? बस निकल रहे हैं। मैं भी डांस कर लूं,
छिली वक्त अच्छी खबर नहीं कब डांस करने मिलेगा। ध्वनि चल लेट थे गयो। अपना ध्यान रखना। आप भी ना, तूने बहुत मिस कर। प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ ना। ऐसा मत कर बेटा, तुझे पता है कि इतनी हिम्मत से ये फैसला लिया है। खबर में मुंह तरह वगैरह के भी बेटी रहीस। हाँ हाँ बराबर छे, तू सारा प्यार बेटी पे लुटा दे। हाँ तो तारे माटे काई ना थी। हाँ छोड़ दूंगी तेरे को, ठेका नहीं ले रखा है मैंने तेरा। माँ कैसी माँ, क्या किया है तूने मेरे लिए? अपना रिश्ता ना एक समझौता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो भी ना आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम मरे जिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज बची हमारो रस्तो अलग, मारो रस्तो अलग, बस हमें आज संभलवानो बाकी हतो। अब क्या बचा है जीने में, उसे तो मरना ही अच्छा है। धनी बेटा, वो भगवान ने तारा माटे प्रार्थना करीस, सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। आओ जो मैं नानी को बहुत मिस करूंगी, जो भी हो, पर वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं तो कल स्कूल के टिफिन में भी खीर लेके जाऊंगा। सारू छे आजो तारा माटे, वो फंक्शन में से ना थोड़ी सी बचा ली, तुझे पसंद है ना, खा लेना। अच्छा सुन, टाइम हो गया, मैं निकल गई। मम्मी आटलो बड़ो प्रेम करे छे, तुझे छोड़ के क्यों जा रही हूँ? फैसला बदला भी तो जा सकता है। नहीं बहुत लेट थे गई, तो अपना ध्यान रखना, मैं निकलती हूँ। रुक,
बाईपास पर एक लड़की की बॉडी मिली है सर, काफी बुरी हालत में। लड़की के साथ रेप भी हुआ, उसके बाद किसी भारी चीज से उसके सर पे वार किया गया और शायद मरने के लिए बाईपास पर फेंक दिया गया। सर डॉक्टर का कहना है कि लड़की की बॉडी में जहर भी है, मेटलिक पॉइजन है, खाने के साथ दिया जाता है। अगर कम मात्रा में दिया जाए तो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, लेकिन इस केस में मात्रा बहुत ज्यादा है। लड़की के पास समय बहुत कम है सर। कुछ पता चला कौन है ये लड़की? सर, ये लड़की का पर्स। बस यही मिला है? कार्ड कैश कुछ नहीं? नहीं सर। रेपिस्ट ने इतनी दरिंदगी दिखाई और मरने के लिए जहर दिया, आज तक किसी भी केस में मैंने इसे देखा नहीं है। या हो सकता है जहर देना भी प्लानिंग का हिस्सा हो। देखने से तो ये रोड रेज का केस भी लग रहा है, बट व्हाटएवर इट इज, ये कोई नॉर्मल रेप केस तो नहीं है। सर लड़की की बॉडी पर कोई डीएनए कोई सीमेंट सैंपल नहीं मिला, और सर बाईपास पर इतनी गाड़ियां चलती है, कैसे पता लगाएंगे कि उस लड़की के साथ इतनी हैवानियत किसने की है? एक काम करो, क्राइम सीन पे चलने की तैयारी करो। यस सर। मेरी गट फीलिंग और जुर्म के तरीके को देखकर कह सकता हूं कि हमारी एक नहीं कई रातें काली होने वाली हैं। लड़की की पहचान सबसे बड़ा चैलेंज होगा। वो खुद कुछ बता पाएगी, इसके आसार तो ना के बराबर है। पर क्या वो वाकई में इंसान होगा जिसने इस लड़की के साथ इस तरह के जुर्म की कल्पना की होगी? बेटा आंखें खोलो, बेटा क्या नाम है तुम्हारा बताओ? वानी, वानी नाम छे मारू, अने वो मारा मम्मी नी फेवरेट छू, अने वो अपने बहु प्रेम कर छू। अरे बस कर अबे, सबको पता चल गया। चले घरे चले। तारू नाम सु छे बेटा? लड़की यहां तक पहुंची कैसे? ए सुनो, तुम रोज इसी जगह खड़े होते हो? किसी एक जगह पे तो नहीं रहता हूं साहब, पूरे एरिया में घूमते रहता हूं। क्यों क्या हुआ? कल एक 20-22 साल की लड़की को देखा था यहां तूने? कुछ पता उसके बारे में? कल तो मैं इस तरफ नहीं था साहब, वो उस तरफ था। एक ड्राइवर है साहब, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है, वो बता रहा था कि उसने किसी लड़की को देखा। बेकार मिलेगा ये टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी चलाता है साहब, ऐसे कैसे बता सकता हूँ मैं? तेरा रेगुलर कस्टमर है ना, उसका फोन नंबर टैक्सी नंबर कुछ तो बता सकता है उसके बारे में? ऐसी भी कोई जान पहचान नहीं है सर, वो फोन नंबर टैक्सी का नंबर तो नहीं पता, पर साहब उसके गाड़ी पे ना एक लाल कलर का बाज का स्टिकर है सर। बाज का स्टिकर? हाँ। मितेश, बाज के स्टिकर वाली, बिना बाज के स्टिकर वाली बाईपास पे आने जाने वाली हर टैक्सी को अच्छी तरह से चेक करो। ये टैक्सी ड्राइवर मुझे किसी भी हालत में चाहिए। सर। Thank you.
डॉक्टर, डॉक्टर। तू तो मारी वाली दीकरी छे, हूँ तने बहु प्रेम करू छु, ने हमेशा तेरी साथ रहूंगी। याद तो बहुत आएगी मुझे तेरी। मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। जिंदगी की यही रीत है बेटा, लग्न पछी छोकरी ने सासरिये जाउच पड़े। इस फुटेज में तो ये लड़की बिल्कुल ठीक लग रही है, और इसके तकरीबन 2 घंटे के बाद ये बाईपास में मिले। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इन्हीं 2 घंटों के बीच में हुआ है। हितेश एक काम करो, ये टैक्सी ड्राइवर जहां भी मिले उठाओ इसे। साहब मुझे क्यों बुलाया, मैंने क्या किया है? उस दिन बाईपास रोड पे इसी लड़की को लेके गया था ना तू? हाँ साहब, हाँ तुम्हारो काम छे। जल्दी बोल, क्या किया उस लड़की के साथ बोल। मैंने क्या किया है साहब? रेप किया उसका, उसको जहर दिया और मरने के लिए बाईपास रोड पे फेंक दिया उसे। ये किया है तूने? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से बोल रहा हूँ। मैंने उसको जनता कॉलोनी से बिठाया था और बाईपास रोड पे इसको सही सलामत उतार दिया था साहब। उतार दिया या फेंक दिया? सर मैंने फेंका नहीं सर, जब मैंने उसको उतारा तो वो सही सलामत थी साहब। वहाँ पे एक चाय वाला भी था, उसने सब कुछ देखा है, आप उससे पूछ लीजिए ना। चाय वाला? हाँ साहब, साइकिल पे चाय बेचता है वो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार है, तो इसलिए प्लीज। तू बोले थे हाँ, बार बार तारी तबीयत खराब हो गया था। आज तो मैं दिखा दो कि मेरी तबीयत। ये न्यूज देखी आपने? कल रात जनता कॉलोनी के घर में फंक्शन था और आज मातम मनाने वाला कोई भी नहीं बचा, क्योंकि किसी ने खाने में मेटालिक पॉइजन मिला दिया था जिससे फैमिली के चारों लोग नींद में ही मारे गए। संगीत में आए 18 मेहमान अस्पताल में भर्ती। एक मिनट, उस लड़की ने भी टैक्सी इसी कॉलोनी से ली थी और उसकी बॉडी में भी यही जहर मिला है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि उसे भी जहर इसी फंक्शन में दिया गया। हितेश मूव। जिसने भी ने जहर दिया वो दरिंदा है सर, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। छह घंटे के अंदर अंदर ये मामला एक लड़की के रेप केस, उसे जहर देने से पढ़कर मास मर्डर तक पहुंच गया। पता नहीं अब सब कुछ यहीं रोकने वाला है या और भी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। केवर क्या छे?
रूम तो दिल्ली गए। अच्छा अच्छा कुछ चाहिए था क्या? हाँ मैंने तू जो ये क्या 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 नहीं तुम्हें सुबह लो छोड़ा चुप रह और मुंह बंद रख अगर किसी को कुछ बताया तो तेरे मायके भेज दूंगा मैं तुझे अरे यारो ये तो वही लड़की है और इसके साथ ये दो औरतें कौन है सर ये मेहंदी है ये उसकी बेटी है और ये उसकी माँ है हमारे मैडम कुछ फंक्शन वगैरह होता था तो उनको मदद के लिए बुलाती थी तीनों को नहीं सिर्फ मेहंदी को इन दोनों को तो मैंने पहली बार देखा था अच्छा इसके अलावा कुछ अजीब नोटिस किया तुमने हाँ एक बात अजीब लगी मुझे कल जब मैं किचन में गया तब मेहंदी खीर लगा रही थी आंसू करे छे खीर तो बनी हुई थी ना ये क्या डाल रही हो ऊपर से फ्लेवर है खीर में अच्छा स्वाद आ जाएगा देखना सब हाथ चाट चाट के खाएंगे इसका मतलब है उस खीर में ही जहर था सर जिसे खाकर आधे लोग मर गए और आधे लोग हॉस्पिटल में उस औरत ने अपनी बेटी को भी जहर दे दिया और उस लड़की को भी एक मिनट इसका मतलब उस परिवार के अलावा वो 18 लोग भी अपनी जान से हाथ धोने वाले डॉक्टर्स का भी यही कहना है सर कौन है उधर मैं हिरन कोई है वहां सुनाई नहीं दे रहा है गांठ लगा दो हेलो मेरा नाम मेहंदी है तुम्हारा क्या नाम है हिरन कौन था मैं नमस्ते मैडम हूँ मेहंदी छू पास से पता चला कि आपको घर काम के लिए हेल्पर की जरूरत है जरूरत तो छे पर पूरे महीने के लिए नहीं सिर्फ दो दिन के लिए चाल से मैडम वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं कर लूंगी ठीक है पर बहुत सारा काम होगा शादी का माहौल है बहुत सारे मेहमान भी होंगे वधु कर ही ले इसने आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं ठीक है चल अंदर ये हमारा किचन है अरे आगल जाइने पछी आ हमारू बेडरूम और ये मेरे बेटे का बेडरूम हाँ और ये आगे जाके यहाँ पे ऊपर टेरेस और ये हमारा हॉल ठीक है तुम जाके ना किचन में थोड़े से बर्तन है वो पहले घिस लो बाकी का काम मैं बाद में बताती हूँ हाँ जाओ डार्लिंग आजू बाजू छोई तो लो कई बात नहीं एक कलाक में आज बाय या श्योर श्योर आई विल डू डोंट वरी बाय मम्मी अरे तू क्या जाए छे फोन रख पहले तू एक काम था हमें छोड़ा सा फोन रख अच्छा एक मिनट कैन आई कॉल यू लेटर ओके ओके थैंक यू बाय हाँ तुझे पता है ना दो दिन में तेरी शादी है अब तू बाहर नहीं जा सकता कितने तामझाम है उसके लिए एनर्जी जरूरी है और एनर्जी रखने के लिए क्या चाहिए क्या खाना और खाना तुम्हें खाना है ना तो चलो तुझे ने बेस हुनास्ट्रो ले आओ मैडम आप बैठो मैं खाना लगा देती हूँ ना मेरे बेटे को तो मैं ही खाना खिलाती हूँ है ना बेटा हाँ मम्मी जा तुम बैठ मैं खाना लेके आती हूँ चलो तुम बाकी का काम देख लो हाँ जा बैठ हाँ
हाँ सर, काले जोजो हतु, ये दोनों यहीं बस स्टॉप पर बैठे थे। ये यहाँ से कहाँ गई कुछ पता है? सर ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरी बस आई जब तक दोनों यहीं थे, उसके बाद मैं निकल गया। ये नानी भी थी इनके साथ? सर इनको तो नहीं देखा, बस वो दोनों ही थे। अच्छा जी, तुम्हें बड़ा पता है। आंटी पानी की बोतल आपो ने। शू तेने खबर नहीं थी के मेरी माँ मुझ पर जान छिड़कती है? आज भी ऐसे करती है जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ। शादी के बाद तुम्हें मुझे उनसे तो शेयर करना ही पड़ेगा। पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है शादी के बाद तुम दोनों में सॉलिड कॉम्पिटिशन होने वाला है, देख लेना। वो दूध किसके लिए? आपकी मम्मी के लिए, वही देने जा रही थी। अच्छा लाओ, मैंने आपको मिल जाता हूँ। रामखोर, मारा पर खोटो आरोप मुकी रही है। जब तू दिल्ली गया ना, तभी जबरदस्ती रात को मेरी रूम में आ गई, और फिर नहीं, ताने सुना नहीं आती? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाप समान ससुर के बारे में इतनी गंदी बातें करते हुए मेरे कैसे? जो है ना संस्कार, तो जो कल उठ के अगर उसको लड़के हुए बच्चे हुए तो ऐसे ही संस्कार उस पर डालेगी। मेरी माने ना तो ऐसी लड़की को इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें पीआर मोकली दे पाछी। नहीं, प्लीज, 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 प्लीज। वो लड़की मर गई, उसकी डेथ हो गई और उसका नाम तक हमें पता नहीं है। इससे पहले कि ये औरत कुछ और तबाही मचाए, इस तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है। सर जिस फैमिली का मर्डर हुआ था उसके पड़ोसी का फोन था। उसका कहना है कि मेहंदी उसके बगल वाले मोहल्ले में रहती है, हनुमान मंदिर के बगल वाला घर। हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर चलो तुरंत। घर को अच्छी तरह से सर्च करो, देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। जहर, जहरा पीती तू? पर उन लोग में तो बहुत प्यार था, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी वो। ये मेहंदी और उसकी माँ कहाँ जा सकते हैं, कुछ बता सकती हैं? उनका कोई रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार तो नहीं खबर, पर हाँ उनके घर पे बहुत लोगों का आना जाना रहता था, ज्यादातर लड़की आती थी। थैंक यू। आ छोकरी कौन छे? आ हमारा दूर नी बेन नी छोकरी छे, कुछ दिनों के लिए आई है। अच्छा सर, ये कुछ आईडीज मिले। नानी, माँ, बेटी, तीनों के डॉक्यूमेंट पे तीनों का एक ही नाम, मेहंदी चा। ये कैसे हो सकता है? ये क्या माजरा है? सर अंदर से पर्स मिला है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, एक फोटो भी है। ऐसा लग रहा है शायद छुपा के रखे गए थे। इस पे रांची का एड्रेस है और ये 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। सर एक मिनट, सर इस फोटो के पीछे जो बिल्डिंग है शायद भरूच के विजयनगर की है। तो हो सकता है ये वही हो। फौरन एक टीम भरूच भेजो। जानता हूँ ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, पर क्या करें, कोई चारा नहीं हमारे पास।
एक मिनट सुनना, इसको देखा है तुमने? सर ये तो जमुना भाई है और ये उनका बेटा मयूर। इन तीनों में से किसी को पहचानते हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी चोट लग गई है। मैंने सब सुना, कोई तुझे मार रहा था और तू रो रही थी। सच बता, क्या हुआ? तुझे अभी 2 ही महीने हुए हैं, तुझे सब समझ में आ जाएगा। एक बात बता, तूने टैटू बनवा दिया क्या? टैटू कहा? किसने? मैंने कोई टैटू नहीं बनवाया। नहीं बनवाया है ना, बनाना ही पड़ेगा। हेलो हेलो, क्या हुआ? सब चुरा लिया, सारा महंगा कीमती सामान सब उड़ा लिया। बे दिवस पची मारा लगन छे, पता नहीं कहां से घूमती फिरती आई थी। मम्मी ने तो हेल्प करने के लिए रखा था उसे, शादी का काम संभालने के लिए। हमने शू खबर कि वो चोर निकलेगी। जमुना दास जी, अजीब बात है, आप अपनी पहली पत्नी को नहीं पहचान पाए? हाँ तो अपरा छे। अपरा जो कुछ देर पहले तक आपके घर में थी। सर मैं तरफ जोयू पड़ना थी, पर मैं उसकी तरफ क्यों देखता? ये 3 साल का था तब वो हम सब लोग को छोड़कर चली गई थी। छोड़कर चली गई थी मतलब? 20 वर्ष पहला इसी घर में चोरी कर वो कमीने आसिफ के साथ दुबई भाग गई। आसिफ कौन? उसका बॉस। अपरा ने मुझे ये बोलकर ही उसे मिलवाया था कि वो उसकी नौकरी लगाने वाला है। मगर सच बताऊं सर, वो दोनों का लफड़ा था लफड़ा। दुबई जाने के बाद उसने मुझे चिट्ठी भेजी कि मैं घर छोड़कर जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आसपास के एरिया के जितने भी सीसीटीवी हैं सबको अच्छी तरह से चेक करो, देखो वो किधर गई है या फिर कहाँ जा सकती है। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं अब वो और क्या प्लान बना के निकली यहाँ से। इससे पहले कि वो कुछ और करे हमें उसे रोकना होगा तुरंत। हेलो, ठीक है लॉकअप में डालो उसे। सर वो चाय वाला पकड़ा गया। क्यों लेके आए मैडम? चल बोल, जल्दी बोल, उस रात लड़की के साथ उन्हें क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया सब। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी 2-4 हड्डियां तोड़ो उसके बाद ये बोलेगा। बता दो सब, बता दो। अरे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुझसे, तेरे सिवा कोई दिखता ही नहीं है मुझे। सुनना, एक कस्टमर आया, मैं बाद में बात करूं। इंसान तो क्या जानवर कहलाने लायक भी नहीं है। एक लड़की जो बेचारी मर रही थी उसकी मदद करने के बजाय तूने उसका रेप किया और मरने के लिए उसे वहीं छोड़ दिया। ये ध्वनि का घर है? अब वो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती है बता सकते हैं? पता नहीं। तब तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि कुछ देर पहले उसकी मौत हो गई है।
मारी चे मारी ध्वनी ने। आपकी वजह से उसकी मौत हुई मतलब? 4 साल पहले वो यहाँ आई थी जब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। मैंने बड़ी खबर कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा था। उसकी मम्मी ने बताया था मुझे। ध्वनि ने फोन आई, वो तो बहुत रो रही थी। वो उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, रेप हो रहा है उसका। क्या फालतू बात कर रही है? अब पति के साथ सोने को भी तुम माँ बेटी रेप बोलोगी? नहीं नहीं, पति नहीं, ससुर। अंजेशु बोले ये? दोबारा ऐसी फालतू बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जा काम करने दे। मेरे ही डर से मेरी बेटी अपने ही घर में नहीं आ पाई। तो उसके बाद वो कहाँ गई आपको नहीं पता? मैंने पता भी नहीं किया, समाज के डर से। उसकी माँ भी उसको याद कर करके रो रो के चली गई। मने तो लागे चल इसकी मौत का जिम्मेदारी मैं ही हूँ। आपको पता है कि वो इतने टाइम कहाँ थी? देखिए, 4 साल पहले वो कहाँ थी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों पहले वो बरूच में किसी अपरा की बेटी बनकर रह रही थी। बरूच? अपरा? जब उसके अपनों ने ही उसे नहीं अपनाया तो दूसरों को अपना बना कर जीने लगी। 4 साल पहले ध्वनि जब गायब हुई वो 17 साल की थी सर। तो मतलब जब उसकी मौत हुई वो 21 साल की थी। ओके। हेलो सर, एमजी बाईपास पर एक औरत ने एक रिक्शा वाले और एक सवारी पर चाकू से हमला किया है सर। उन दोनों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है और उस औरत को पुलिस स्टेशन लेकर आ रहे हैं। सर मुझे लगता है ये वही औरत है जिसे हम ढूंढ रहे थे। बहन इरादा क्या तुम्हारा? और कितनी लाशें गिराओगी? अपने घर में तुम इसलिए गई थी ना? किसे मारना चाहती हो बोलो? अपने पति की दूसरी बाईड़ी को। वो दूध किसके लिए? आपकी मम्मी के लिए, वही देने जा रही थी। लाओ मैंने आपको मिल जाता हूँ। पर मारा नहीं, सिर्फ चोरी की। क्यों? क्योंकि मेरा पति और मेरा बेटा उसके साथ खुश है। मयूर उसे ही अपनी माँ मानता है। उसे तो शायद पता भी नहीं कि मैं उसकी माँ। अभी मुझे सीधी तरह से ये बताओ क्यों कर रही हो ये सब? खत्म कर देना चाहते हो हर उस चीज को, हर उस इंसान को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। त्यारस मैंने शांति मर से। पर तुम तो अपनी मर्जी से गई थी ना, चिट्ठी भी भेजी थी तुमने। चिट्ठी मैंने नहीं, आसिफ ने भेजी थी ताकि जमुना कभी मुझे ढूंढे ही ना। मैं जमुना की वजह से इस नरक में गिरी। अने जमुना ये शू करियो, नकली चिट्ठी पे भरोसा कर लिया। मतलब? जमुना की कमाई कुछ खास नहीं चल रही थी, हमें पैसे की जरूरत थी तो मैं नौकरी के लिए निकली। मेरा बेटा छोटा है तो मैं वो फुल टाइम जॉब नहीं कर पाऊंगी, पार्ट टाइम जॉब रहेगा ना तो वो मैं कर लूंगी। जमुना मैं ना बहुत लकी हूँ जो आसिफ जैसा बॉस मिला। 6 महीने हो गए लेकिन जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बोलो वो बहुत ध्यान रखता है, मुझे तो लगता है ना हमारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। अपरा दुबई का एक काम आया है, 1 वीक की ट्रिप है भाई, फैमिली फंक्शन मैनेज करना है। तुम खूबसूरत हो, अच्छे मैनर्स हैं, अच्छे पैसे भी मिलेंगे, बताओ जाओगी? पैसे की बहुत जरूरत थी, मैं उसके साथ दुबई चली गई। वहां जाके पता चला कि खेल कुछ हो रही है, मुझसे मेरा पासपोर्ट छीन लिया और मुझे बेच दिया। तो तुम वापस इंडिया कैसे आए? जब मैं किसी काम की नहीं रही तो आसिफ ने मुझे वापस बुला लिया। क्यों? तुम वापस अपने घर पे जा सकती थी ना, क्यों नहीं गए? आसिफ मेरे वीडियोस बनाता था और मुझे ब्लैकमेल करता, रोटली घर यानी कपड़ा देकर मुझे बच्चियों को तैयार कराने के काम में लगा दिया। बच्चियों को तैयार करना मतलब? कौन बच्चियां, किस लिए? गरीब मजबूर बच्चियां
जिन्हें वो फुटपाथ से उठा था और उनके माँ बाप को सपने दिखाता कि उन बच्चियों को पढ़ाएगा लिखाएगा और बड़ा करके उनका लगन करवाएगा। तुम उन बच्चियों के साथ क्या करती थी? सिर्फ मैं नहीं, फाल्गुनी भी यही काम करती। हम नए नए मोहल्ले में घर लेते थे, उन बच्चियों को रहना सहना ठीक से बात करना सिखाते थे। उसके बाद बाबा उन बच्चियों को अमीर पार्टियों में अमीर घरों में काम के नाम पे धंधे के लिए भेजता। उन बच्चियों की भी वैसी ही वीडियोस बनाता ताकि वो बच्चियां भी काम छोड़कर कहीं भाग ना सके। लोगों से अपनी बच्चियां दे क्यों देते? ऐसा क्या करता है वो? मजबूर गरीब बच्चियों का फायदा उठाता, उनका मसीहा बनकर जाता। वो मासूम बच्चियां उसे बाबा कहकर बुलाती। बाबा हर बच्ची पे एक टैटू बनाता जिसमें उसका QR कोड छुपा होता है, जिससे वो हमारी कीमत लगाता है। हमारो QR कोड छे। ऐसा टैटू तो हमने उस बच्ची धोनी के मां पर भी देखा था, वो उसका QR कोड था। और तुम तीन औरतों के डॉक्यूमेंट्स मेहंदी नाम से ही क्यों थे? वो हर बच्ची का नाम मेहंदी रखता ताकि अगर कोई कभी पकड़ा जाए तो उसकी असली पहचान सामने ना आ सके। इतना सब कुछ जानती थी तुम उसके बारे में, पुलिस के पास आना चाहिए था ना तुम्हें? हटलू सरल न थे, वो बहुत बड़ा आदमी है। जब ध्वनि आई तो हमें लगा कि यही हमारा परिवार है। फिर हमने सोचा कि बाबा के चंगुल से आजाद हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। बस अब बहुत है गई, अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। तो तुम भागी क्यों नहीं? भागी तो थे, सबसे पहले ध्वनि गई थी, लेकिन उसे पता चला कि उसकी माँ मर गई है और उसका बाप उसे कभी नहीं अपनाएगा। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी तो उसने बाबा के पास वापस आने का फैसला किया। उस फंक्शन में तुम तीनों औरतें साथ में गईं, तो तुम तीनों वहां से भागी कब? फंक्शन के बाद ही अलग होने का प्लान था। जिस फंक्शन में तुमने लोगों को जहर दिया था ना, उसमें वो लड़की भी थी जिसे तुम अपनी बेटी मानती थी, उसे भी? क्यों? जिस फंक्शन में तुमने लोगों को जहर दिया था ना, उसमें वो लड़की भी थी जिसे तुम अपनी बेटी मानती थी, उसे भी? मैं नहीं चाहती थी कि वो उस नरक में वापस जाए। बाबा के फायदे के लिए वो रोज मरे, इससे अच्छा तो एक बार में मर के मुक्ति पा जाए। इसीलिए मैंने उसे मुक्त कर दिया। लोग जिन्हें तुमने मारा उनमें दो बच्चे भी थे, उन्हें क्यों मारा? कोई मासूम नहीं था। बाबा के बाद बच्चियों के खरीद फरोख्त में ये परिवार सबसे आगे था। उस घर के हर आदमी ने मेरा रेप किया है। मैंने सोच लिया था जब भी मौका मिलेगा ना, मैं सबको खत्म कर दूंगी। तुम्हें पता है उस परिवार के अलावा भी तुमने 18 लोगों की जान ली। ज्यादा भी होते ना तो फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी ने मेरा दुख सुना? और गेहूं के साथ ना गुण भी पिसता है, वही हुआ। अगर वो परिवार जिंदा रहता ना तो पता नहीं कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होती। आज तारीख सोचे 12 जुलाई, क्यों? बचा लीजिए उन बच्चियों को, बचा लीजिए। किन बच्चियों को बचा? किसकी बात कर रही हो तुम? मेहंदी और हिरन 10 साल की बच्ची है, बाबा उन्हें पाकिस्तान गुजरात बॉर्डर पर बेचने वाला है। हेलो, बिना पेमेंट हुए माल बॉर्डर नहीं पहुंचेगा। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। हितेश, उसका नंबर नोट करो और पता करो कि इस बाबा की करंट लोकेशन क्या है। मूव फास्ट। ये बाबा रुफासी पंसारी, ये ऑनलाइन न्यूज पोर्टल चलाता है सर। व्हाट? ये बाबा एक जर्नलिस्ट है? हाँ सर, और काफी बड़े बड़े लोगों में इसकी पहचान भी है, गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर पर भी। मतलब बॉर्डर पे बच्चों की तस्करी हो रही होगी। हितेश, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो तुरंत।
आए भाई चल दारू लग उधर से चल 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 दारू लग रुक 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 कहाँ भाग रहा है बच्चों को लेके जाएगा चल चल इन्हें चाइल्ड वेलफेयर वालों को फोन करो और इन दोनों बच्चियों को इनके माँ बाप तक पहुंचाने का इंतजाम करो इस केस में एक के बाद एक कई लेयर्स खुलती चली गई और एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया जो गरीब मासूम बच्चियों को लड़कियों को इस पेशे में धकेलता था यह केस इस ओर भी इशारा करता है कि एक इंसान एक नागरिक के रूप में हमें बेहद सतर्क रहना होगा क्योंकि अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर कईयों की जिंदगी उजाड़ देने का प्लान बनाए कई आसिफ हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं याद रखिए इस मतलबी दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी का भला नहीं करता देयर आर नो फ्री लंचेस जय हिंद फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़